नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। स्टेशनरी घोटाले में ठाकरे समिति ने महापौर को सौंपी रिपोर्ट, 6 करोड़ से अधिक की धांधली की आशंका। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई ठंड, 20.3 मिलीमीटर वर्षा, 23.2 डिग्री सेल्सियस पर आया अधिकतम तापमान। बांदे सुपर बाजार के संचालक ने की आत्महत्या, घर में फांसी लगाकर दी जान। अब यात्रियों को मिलेगी राहत, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अब चलेगी रोजाना। बिजली सब्सिडी का जल्द निकलेगा हल, देसाई ने दिए निर्देश, अगले माह वित्त मंत्री के साथ होगी बैठक। मॉल में वाइन बिक्री का विरोध, जमायत ए इस्लामी हिंद और मराठा सेवा संघ ने उठाई मांग। हेरिटेज वॉक में जाना, सकरदरा का इतिहास, इंटेक का उपक्रम। ममता का वैक्सीनेशन अभियान लड़खड़ाया, 17 दिन बाद उपलब्ध हुई कोवैक्सीन। फिर गुलजार होगा सतपुड़ा वनस्पति उद्यान, मनपा आयुक्त ने लिया जायजा। किसानों से बकाया बिल जमा करने की अपील, 50% छूट के लिए बचे केवल 44 दिन। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।